हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका polytechhub.com में। आज से पहले हम लोगों ने जो बातें की थी वो बातें थी बेसिकली किसी दरवाजे का एलिवेशन क्या होगा उस पर। आज की इस क्लासेस में हम लोग बातें करेंगे कि किसी दरवाजे में जो सेक्शनल प्लान क्या होता है उसके बारे में। नहीं तो दरवाजे का सेक्शनल प्लान क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मगर थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे लूँ तो एस के ठाकुर मैं हूँ और मैं आपको यहाँ पर बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ अभी फिलहाल। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकेशन में जो दिया गया था उसके अनुसार से हमको काम करना है। देखिए इससे पहले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात किया था उसमें ये बात किया था कि इस विशेष क्वेश्चन के अनुसार से एलिवेशन क्या बनेगा। एंड देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन, एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। And these three parts have three different answers. So, हर एक पार्ट के लिए अलग अलग आंसर्स होगा, इस चीज़ को हमको समझना है। अब ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि एलिवेशन के बारे में इसे पहले लेक्चर में आप लोगों ने जाना है। अब हम जानेंगे कि सेक्शनल प्लान कैसे बनता है। क्या सेक्शनल प्लान कैसे बनता है? तो सेक्शनल प्लान बनाने के लिए, या बेसिकली ये कहिए कि अगर दरवाजे का आपको प्लान बनाना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दरवाजे का प्लान बनाने के लिए आपको दरवाजा को कहीं ना कहीं से काटना पड़ेगा। एंड आफ्टर द कटिंग ऑफ द डोर यू कैन ड्रॉ इजिली वाट एवर द प्लान विल बी। ओके, सो आप लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन का तो एलिवेशन बना चुका था। तो सपोज कर लीजिए कि आपका जो एलिवेशन है आपके दरवाजे का ये है, ठीक है। अब इस दरवाजे का जो एलिवेशन है, आप उस सिस्टम को देखिए थोड़ा सा, मैं फिक्स करता हूँ इसको यहाँ पे। हाँ ठीक है। और देखिए प्यारे छात्रों कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि ये जो दरवाजे का एलिवेशन आपने ड्रॉ किया था इसे पहले लेक्चर्स में, अब इस एलिवेशन को जो मतलब कि सामने की जो व्यू है दरवाजे की, अब इसको मैं काटूंगा और काटने के बाद एग्जैक्टली क्या व्यू आएगा जिसको ऊपर से देखने के बाद पता चलेगा। नहीं तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए चलिए स्टूडेंट्स, मैं करता यह हूं कि सपोज कर लीजिए कि ये जो पॉइंट ए दिया हुआ है और ये पॉइंट जो बी दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए एक सेक्शन प्लेन का लाइन है। किसका लाइन है? सेक्शन प्लेन का लाइन है। सेक्शन प्लेन का लाइन है ना ये। कहने का मतलब है कि ऐसे कोई सेक्शन प्लेन चल रहा था और इसका एरो हेड इस प्रकार से है और यहाँ आपको ए दिया हुआ है, यहाँ आपको बी दिया हुआ है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वाट एवर द सेक्शन ऑफ द डोर विल बी, सेक्शनल प्लान ऑफ द डोर विल बी। ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ। अब स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना ये है कि मैं अगर दरवाज़ा को यहाँ से काट दूंगा तो एक्चुअली मेरे पास क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कटेंगी, नहीं क्या उस चीज़ को मुझे नीचे ड्रॉ करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं काटूंगा तो क्या होगा कि पहली बात तो यहाँ से ये फ्रेम कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी। इधर से भी ये फ्रेम कटेगी। सो दैट देखिए इस लाइन के बाद जो थी दीवार थी ना, तो इस प्रकार से इस लाइन के बाद देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक चीज का पोजीशन नीचे ले लेंगे। ऐसे हर एक चीज का देखिए पोजीशन नीचे लिया गया है, प्रोजेक्शन लेते 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 हम लोग काम करेंगे। नहीं तो बताइए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक चीज का प्रोजेक्शन मैं नीचे ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसका भी प्रोजेक्शन नीचे लेना पड़ेगा, इसका भी लेना पड़ेगा और इसका भी लेना पड़ेगा, उस प्रकार से इसका भी लेना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब ये पैनल दोनों का वीर तो सेम है, दोनों के पास सेम नेचर है। एंड दैट इज वाई हमारे पास रिक्वायरमेंट था कि हम इसका पोजीशन लेते। नहीं तो बताइए तो इसका पोजीशन नीचे लीजिएगा तो क्या होगा, इसी लाइन में चला आएगा। इसका पोजीशन क्या होगा, इसी लाइन में चला आएगा। इसका ये जो पैनल है इसका इसी लाइन में चला आएगा पोजीशन। अब ये देखिए यहाँ से ये कट रहा है तो ये इसका पोजीशन इस लाइन में चला आएगा, यहाँ से ये इसका पोजीशन नीचे चला आएगा, ये इसका पोजीशन नीचे चला आएगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से जो है दूर का मीटिंग सिस्टम कट रहा है, मीटिंग स्टाइल है ना, तो इसका भी पोजीशन कुछ ना कुछ नीचे होगा, इसका भी पोजीशन कुछ ना कुछ नीचे होगा। अब देखिए इसका भी पोजीशन नीचे होगा। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द पॉइंट्स वेयर द कॉर्नर इज जस्ट फॉर्मिंग,
जहाँ पर कॉर्नर बन रहा है उन सारे पॉइंट्स को आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा नीचे, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा आपको नीचे प्रोजेक्ट। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है इसको यार नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, और ये है उसको भी नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए। ये डॉटेड वाला को काया छोड़िएगा, क्योंकि डॉटेड आप जानते हैं कि रिवेट एंड रिवील के कॉन्सेप्ट से ड्रॉ किया गया है, सो दैट इट विल बी ऑल्सो डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कर दिया, सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ले लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट्स का प्रोजेक्शन डाउनवर्ड लेने के बाद, ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए अब आसान सी बात है कि आप इसके आपके पास इतना कॉमन दिमाग है कि ये जो थिकनेस है किसका है, वाल का है, वाल का। आप मान चाहिए 300 वाल का थिकनेस देना चाहते हैं तो 300 दे लीजिए, 200 का थिकनेस का वाल देना चाहते हैं सो दैट इट विल बी द ब्रिक पर हैविंग समथिंग सम अमाउंट ऑफ थिकनेस, राइट। क्या हो सकता है कि 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, मन है तो 400 भी दे दीजिए, लेकिन कोई ऐसी वाली बात नहीं है, आप हमेशा 300 देंगे तो बेहतर रहेगा। नहीं तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाल लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, सारे चीज़ को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चूंकि ये चीज़ इतना लेंदी हो गया है इसलिए प्रत्येक प्रोजेक्शन को मैं चाहता हूँ कि रिमूव कर दूँ, राइट। सो आई विल रिमूविंग जस्ट ऑल द प्रोजेक्शंस, ओके। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया चीज़ को। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आप जितना भी प्रोजेक्ट कीजिएगा चीज़ को, तो आप देखिए, आप स्टूडेंट्स आप एज्यूम कीजिए कि शटर होता कैसा है। नहीं, आपके पास क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, चौखट दिया हुआ था, नहीं चौखट का साइज दिया हुआ था, चौखट का साइज दिया हुआ था, नहीं चौखट के साइज के बारे में क्वेश्चन का कहना था कि भाई हम है 100 × 75 सेंटीमीटर का, क्या 100 × 75 सेंटीमीटर mm का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं बता रहा था कि जो पोर्शन देखिए चौखट का साइज अगर ऐसा है तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं ऐसा इसका क्रॉस सेक्शन होगा थोड़ा लंबा एंड कम चौड़ा, दिस विल बी 75 एंड समहाउ इट विल बी 100, राइट। अब स्टूडेंट्स दिस ए 100 हो गया या 75 हो गया तो जाहिर सी बात है एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा, एंड दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिम्बर, और कौन सा टिम्बर है, ये चौखट वाला टिम्बर है, ये है ना, किसका कौन सा टिम्बर है, चौखट वाला टिम्बर है। कहने का मतलब है कि ये टिम्बर किसका है, चौखट का है। तो आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इस पार्ट को इनलार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले तो आपके पास एक दीवार होगा ऐसे, अब इस दीवार में आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, चौखट यहाँ पर देखिए चौखट कट रहा है, ये वाला चौखट कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा, नहीं है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 100 वाला मैंने बोला था कि दीवार से जो चौरा वाला फेस रहता है, चौराई जिसकी ज़्यादा रहती है, उसको हम चौखट का वो पार्ट अटैच करते हैं। तो मान चलिए ये हमारा चौखट का चौरा वाला फेस है जो कि 100 का है, और जो फ्रंट व्यू में हमको दिख रहा है 75 का ही है, ठीक है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए 75 का, और क्या बात है कि अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको है ना इसको ऐसे मिला देना है। अगर चौखट स्क्वायर रहता तो कुछ इस प्रकार से चौखट बनता, यहाँ पे बनता कि नहीं बनता, बनता, मैं इस बात की बात इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं कि चौखट जो ये बना है, ये चौखट जो बना है, इस चौखट में पैनल ये शटर को रिसीव करने के लिए यहाँ पर हम लोग खच काट देते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेप काट देते हैं, ताकि क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मैं इनलार्ज फिगर बनाना चाहूँ तो मैं अभी ऐसा बनाया था, पहले बनाया था ना ऐसा जो बनाया था, मैं क्या करता हूँ, अब इस चौखट का इतना पार्ट मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो हैच पोर्शन है, देखिए ये वाला पार्ट मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसमें रखता हूँ चौखट में, और ये वाला पार्ट जो है उसको मैं हटा लेता हूँ, वो रिबेट और रिवील में चला जाता है, नहीं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये आपका रिबेट होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, रिबेट होता है, और ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है आपका रिवील, नहीं ये हो गया आपका रिवील, ये हो गया आपका क्या स्टूडेंट्स, रिबेट। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि रिबेट और रिवील का प्रोविजन चौखट में देना पड़ता है। आप ये जानते होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की दुनिया से कि रिबेट क्या है और रिवील क्या है। रिबेट कहने का मतलब होता है कि अगर कोई शटर है, सपोज कर लीजिए कि मैं अगर ऐसा ही कंपोनेंट बना रहा हूँ, तो शटर कुछ ना कुछ ये शटर होगा, नहीं ये शटर होगा,
तो शटर के सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में जो इम्प्रेशन होगा, देखिए शटर के सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में ये इम्प्रेशन है, सो दैट इट विल बी रिवेट, और शटर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इम्प्रेशन होगा दैट विल बी योर रिवील। नहीं तो कहने का मतलब है रिबेट और रिवील के कंसेप्ट के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, इतना चीज वो जो क्रॉस सेक्शन था रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन उसमें से ये खाली पोर्शन काट के हटा देंगे, और अगर ये खाली पोर्शन काट के हटा दिया गया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें से ये खाली पोर्शन काट के हटा दूंगा तो फिगर कैसा बचेगा बाबू, ऐसा बचेगा, देखो ऐसा बचेगा, नहीं ऐसा बचेगा जिसमें इधर से क्या होगी स्टूडेंट्स दीवार होगी, इधर से क्या होगी ब्रिक वर्क वाला दीवार होगी, ये क्या होगा स्टूडेंट्स टिम्बर कंपोनेंट होगा, नहीं चौखट का कटा हुआ भाग मीन्स चौखट का एक सेक्शन, दिस इज योर टिम्बर कंपोनेंट। कहने का मतलब बाबू चौखट इस ये जो सिस्टम है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, शटर को इम्प्रेस करना, शटर को डालना पड़ेगा इसमें शटर को, और आप ये बात जान लो कि शटर की मोटाई दी हुई थी आपको क्वेश्चन में 45 mm, सो इट विल बी 45 mm, क्वेश्चन में आपको शटर की मोटाई कितनी दी हुई थी 45 mm, आप यहाँ से भी देख सकते हैं 45 mm की शटर है, सो दैट इट विल बी 45 mm, और ये कितना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस विशेष क्वेश्चन में मेरा मन है कि मैं रिवेट को 25 mm ले लूँ, सो अगर इस क्वेश्चन में मेरा मन है कि मैं रिबेट को 25 mm ले लूं, तो 25 mm का 1:10 से जो स्केल कन्वर्जन होगा वो 2.5 mm का होगा, नहीं कहने का मतलब है कि 2.5 mm का जो स्केल कन्वर्जन लेंथ होगा उसको लेते हुए 2.5 mm को लेते हुए हम इसको कंस्ट्रक्ट कर देंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल। कहने का मतलब यह हुआ कि ये कितना इम्प्रेशन होगा मैं उसके बारे में बता रहा था, दैट विल बी योर 25 mm, एंड इफ यू आर नॉट एग्री विथ 25 mm डायमेंशन यू कैन टेक इजिली 30 mm डायमेंशन, एंड यू हैव ऑल्सो राइट टू टेक इट एज 20 mm, बिकॉज दीज डायमेंशंस 20 mm, 25 mm, 30 mm इन द केस ऑफ रिबेट इज द जनरल प्रैक्टिस फॉर यूज एंड नो वन कैन अवॉइड इट, and no one can raise the objections by taking 25 mm or 20 mm or 30 mm. If any students which are taking the value of rebate as 25 mm, so it will be also correct, and 30 mm, so it will be also correct. In the question, if it is mentioned that the value of rebate will be like 25 mm or 30, then you have a restriction about that you will take that value only, as per mentioned in the question. And if in the question there is no any mentioning about the rebate value, then you can do anything. You can use easily whatever the value 25 mm, 20 mm, 30 mm, as per your mind and as per your calculation. But if you will talk about whatever will be the standard value, so standard value will be the 25 mm dimension for rebate. Okay students, so you will take 25 mm, then it will be better for you and everybody. So clear? So students, the value of rebate means that this dimension will be 25 mm in general cases if there is no any mention in the question. If the question mentions that the value of rebate is 30 mm, then you have to take 30 mm, otherwise 25 mm you can consider, right? Okay. अब students, बात क्या है कि ये जो चीज़ है ये 25 mm हम यहाँ पर ले रहे हैं, आप लोगों में से कई बच्चों का ख्याल ऐसा होता है सर आई एम नॉट एबल टू डू सो, मैं 25 mm नहीं लेने जा रहा, मैं 30 mm लेने जा रहा, तो मैं कहूँगा जाओ बच्चे ले लो अपनी ज़िंदगी जी ले तू अपना, नहीं अपनी ज़िंदगी जी ले तू अपना, कहने का मतलब ये है इट इज़ नॉट restricted that you will take 25 mm only. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो कुछ भी ले सकते हैं, चलिए ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स रिबेट हो गया, ठीक है। अब बात ये जो है स्टूडेंट्स, ये कंपोनेंट कैसे बना है, आपको ये बात समझ में आ गई है, नहीं तो बात ये हो गया कि ये कंपोनेंट कैसे बना है, ये बात आपको समझ में आ गई है। मैं अब क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब इस कंपोनेंट को इनलार्ज करते हुए इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। ठीक है, चलिए
देखिए बच्चों, होता क्या है कि मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि चीज को कन्वर्ट कर दूं। हाँ एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग दी एलिवेटर। देखिए बच्चों, क्या होता है कि मैंने एक कंपोनेंट टाइप बनाया था, समथिंग लाइक ये दीवार है। इस दीवार के साइड में मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। कहने का मतलब है कि इधर चीजें कंटिन्यू है, ठीक है। ये जो दीवार है, अगर ये ब्रिक वर्क का है तो आप इजीली यहाँ पर ब्रिक वर्क दिखा सकते हो ऐसे। अब इस दीवार में शटर को अरेंज करना था, नहीं फ्रेम को अरेंज करना था, सो दैट आपका जो फ्रेम है, मतलब कि आपका जो चौखट है, कुछ इस प्रकार से इसका सेंटर पॉइंट निकालिए। सपोज सपोज कर लीजिए कि सेंटर पॉइंट यहाँ है ना। इसे सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका सेंटर पॉइंट आ गया। अब इस सेंटर पॉइंट से नीचे हमको इधर देने का मन है शटर, दीवार में है ना, इधर लगाने का मन। सो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। सपोज कर लीजिए अगर ये 300 का दीवार है, कितना का सपोज कर लीजिए, डायमेंशन कितनी है, 300 वाली डायमेंशन है, तो आपको यहाँ से 100 mm का फेस ऐसे वाला स्ट्रक्चर करते हुए बनाना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, नहीं कहने का मतलब ये बात हुआ, दिस इज योर 100 mm डायमेंशन। आप मतलब ये है कि आप इस चीज़ को सेंटर पॉइंट पर ना लेते हुए भी बीच में कहीं ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देर इज नो एनी कंसेप्शन अबाउट वाट एवर द पोजिशन ऑफ दिस वन विल बी। आप यहाँ भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी सेट कर सकते हैं, बीच में भी सेट कर सकते हैं। मोर प्रोबेबली आप बीच में सेट करें तो बेहतर है, आप अच्छे केस में माने जाएंगे। नहीं चलिए, तो मैं भी इसको बीच में सेट करता हूँ, क्योंकि देखने से भी ऐसा नहीं लग रहा है। सो आई विल जस्ट ट्राई टू सेट इट एज बीच में। नहीं तो मुझे पता है कि अगर मुझे सेंटर पॉइंट ये मिला तो 100 mm का सिस्टम देना था, 50 mm इधर 50 mm इधर चले जाते हैं, मतलब कि ये वाली बात हो जाएगी। अब मैं इसको बीच में दे दे पा रहा हूँ। अरे दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाबू, नहीं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ऐसा ये शटर ऐसा कैसे होगा आपको पता चल गया? अभी मैं उतना देर से क्या समझा रहा था, यही समझा रहा था। ये डायमेंशन कितनी की है बाबू? 25, ये 45 mm की है। अब इसी 45 mm के डायमेंशन में शटर लगनी है, तो यहाँ पर कहीं आप कब्जा लगाओगे, नहीं यहाँ पर कब्जा लगाओगे और इसमें शटर को ऐसे जोड़ दोगे, नहीं जोड़ेगा कि नहीं जोड़ोगे, ऐसे जोड़ दोगे, शटर अपने इधर जाएगा, ठीक है। अब जो ये है, ये एक्चुअल पार्ट है डोर का जो ओपन होता है। सपोज कर लीजिए इन दी, ये अभी बंद कंडीशन में है, मान चलिए हमको ओपन करना होगा, तो इस केस में इसका ओपनेबल पार्ट दिखेगा तो इस प्रकार से कुछ दिखेगा आपको। कहने का मतलब है ये पार्ट ऐसे नच जाएगा बिलाओ, बट इस पॉइंट पर क्या होता है बाबू, फिक्स रहता है ये, नहीं हिंज सपोर्ट से, हिंज से, कब्जा से। क्या तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कब्जा की मदद से इस फ्रेम में, चौखट में, इस शटर को, पलड़े को जोड़ देते हैं। नहीं क्लियर है? चलिए अब ये स्टूडेंट्स, यहाँ की जो कंप्यूटर ये सिस्टम है, आपको ये समझ में आ रही होंगी, मैं आपको अब आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आई बच्चे। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पर ये अरेंजमेंट जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है ये होता है। अब स्टूडेंट्स आपका पैनल वाला पार्ट आ रहा है, उसके बाद ये पार्ट, सेम अरेंजमेंट यहाँ का, आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अब बीच में देखिए स्टूडेंट्स, दो दरवाजे का जो दो शटर है वो मैच कर रहा है, सो दैट ये शटर जो होगा स्टूडेंट, ये शटर से आपस में मैच करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पैनल पर आप लोग अभी मत जाइए, नहीं पैनल पर आप लोग अभी मत जाइए, नहीं मैं बात करूंगा बाबू पैनल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात क्या हो रही है कि इसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट होगा वो यहाँ पर चलाएगा, इसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट होगा वो यहाँ पर चलाएगा। आप देखते होंगे थोड़ा सा क्रॉस बना हुआ है इसके बीच में, नहीं क्या बना हुआ है स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा सा चीज़ को बताना चाहूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स क्या, बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो और बड़ा कर देता हूँ, लो अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखते होगे अगर आप लोग, हाँ अब देखो यहाँ पर अगर देखते होंगे, यहाँ पर देखो ऐसे देखो, ये चीज़ का देखिए प्रोजेक्शन है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट कर देते ये मिलेगा,
यहाँ से अगर यहाँ प्रोजेक्ट कर देते हो ये मिलेगा। थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ, देखो अब बताना, फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया सर। अब देखो कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो है इसका जो प्रेशन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये जो लाइन है कंप्लीट लाइन, इसका प्रेशन कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब दो दरवाजा है, अब दरवाजे के बीच में कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है ये वाला, है ना। अब थोड़ा सा देखो कौन वाला कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है ना, ऐसा करके ऐसा है, अब फिर क्या है, ऐसा करके ऐसा है, ठीक है। अब ऐसा केस है कि इससे इधर एक पल रहा है और इससे इधर दूसरा पल रहा है ना, है कि नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही दोनों पलड़ा खुलेंगे तो खुल गई। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि जब बंद कंडीशन में पलड़े के बीच में एक इंटरलॉकिंग बनाना होगा, तो उस केस के लिए हम लोग ऐसा ये जिग जैग पैटर्न यहाँ पर लाते हैं, एक दूसरे को फंसाने वाला पैटर्न। पलड़ा जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ये पूरा सीधा सीधा भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, पूरा सीधा सीधा, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं हुआ, जिसके पीछे कारण ये है कि अगर हम ऐसा पलड़ा बना देंगे तो क्या होगा, देखो तो इसमें एयर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, हवाएं घुस जाएंगी। हवा को छोड़ो, अगर मान चलो इस दरवाजे के अंदर कोई काम चल रहा है, सपोज कर लीजिए कि इस दरवाजे के अंदर है ना रॉ का, है ना, क्या चल रहा है, रॉ का मीटिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, रॉ का मीटिंग, ठीक है। जो तो रॉ का जो जो मीटिंग चल रहा है, उस केस में दरवाजे के छेद में से दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, क्या पता यहाँ पर कोई कैमरा लगा के देख ले। वट एवर द कंडीशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा चीज बनाते हैं तो वो चीज में सिक्योरिटी की चांस कम हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये होगी कि हमको अपने इंटरनल सिस्टम से बाहर की जो चीज है उससे एक अलगाव महसूस नहीं होगा। हम लोग किसी रूम में चले जाते हैं तो लगता है कि दुनिया अब अलग हो गई है, हमारा रूम हमारा है। इसका पीछे ये कारण होता है कि आपको एक्सटर्नल एजेंसी से कोई बहस नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। सो दैट यहाँ पर का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है, इस बात की जानकारी के लिए आपको इतना जो साक्ष्य मैं दिया हूँ वो क्लियर है आपको, ठीक है स्टूडेंट। सो हम दरवाजा का जो शटर होगा वो ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा बाबू, अगर दवा शटर होगा तो ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, मतलब कि समथिंग, अगर ये शटर ऐसे है तो दूसरा शटर कैसे होगा बाबू, ऐसे, ताकि ताकि दोनों के बीच में क्लिपिंग बने। आप तो ज़्यादातर देखते होंगे कि एक शटर ऐसे रहता है और दूसरा शटर ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है ना। अब दोनों के बीच में क्या, भी दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक ग्रिप बन जाता है, ठीक है। अब बात यह है कि ऐसे ऊपर से प्रोजेक्ट करके मैंने नीचे की चीज को दिखाया आपको अभी यहाँ पे, उसी प्रकार से ये जो टर्म है यहाँ पर क्लियर है। अब कंसेप्शन ये है बच्चे कि मैं ये पैनल का जो प्रोजेक्शन क्या है वो कैसे बताऊं, वो कैसे बनाऊं। तो कुछ इस क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्वेश्चन में जो दिया गया था स्टूडेंट्स, देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को भी। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ड्रॉ टू ए स्केल ऑफ 1:100, जो कि गलत है, 1:10 होना चाहिए था, क्योंकि 100 पर डिजाइन नहीं बन सकता है डोर का। 1:10 एलिवेशन सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए फुली पैनल डबल लीफ डोर, यहाँ पर लियर लिख दिया, लीफ डोर प्रिंटिंग ईरर, लीफ लीफ डोर यानी कि लीफ शटर, यानी कि दो शटर वाला डोर है, आपको उसका डिजाइन करना है। ओपनिंग इन द वॉल 1200 mm, क्या बात है। उसके बाद स्टूडेंट्स, चौखट 100x75 mm, टॉप एंड फ्रिज रेल 100x45 mm, लॉक रेल इतना इतना डायमेंशन दे रखा है, जो कि फ्रंट व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन इंपॉर्टेंट अगर मान चलिए सेक्शनल प्लान के लिए बात किया जाए तो 45 mm का डायमेंशन है, और ये चौखट का डायमेंशन है 100x75 mm का, जिसके बारे में ही चर्चा कर रहा था नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हैंगिंग एंड मीटिंग स्टाइल के बारे में लिख दिया, कोई बात नहीं है, ये सब चीज़ फ्रंट व्यू में यानी कि एलिवेशन में लिख रहा था। थिकनेस ऑफ पैनल 30 mm टेपर टू 20 mm, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। और इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से देखो, ये क्या है बाबू, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको बढ़िया से देखो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, पैनल जो होगा और कुछ इस प्रकार के इनकेस में ये इनक्लोज मेंबर में बनेगा। मैंने बताया था कि यहाँ से 25 mm छोड़ देना इधर, यहाँ से 25 mm छोड़ देना, चार को तरह से एक लाइन दे दो। उसके बाद क्या था,
अगर जो इससे इसका इस चीज़ का जो ये था, मतलब कि ये डायमेंशन कुछ बचा हुआ था उसके अनुसार से मैंने काम किया था, है ना। अब उसके बाद मैंने कहा था कि भाई इधर से ये इतना छोड़ दिया, अब इधर से 25 mm छोड़ दिया, और फिर से डबल अराइजिंग के साथ मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में कि ये चीज़ बना दो। अब क्या करो स्टूडेंट्स, इसको इसको है ना, इसको और इसको सबको मिला देते थे तो दिस इज योर पैरल। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पैरल को हमको काटना है ना। सपोज कर लीजिए काट रहा है ऐसे, अब काटना है इस पैनल को, तो बताइए अब काटेंगे तो देखिए पैनल जो ये है इसमें ये पार्ट जो होगा स्टूडेंट, जो कि आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये सबसे मोटा पार्ट होगा, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे मोटा पार्ट होगा। तो सपोज कर लीजिए कि ये पार्ट अगर मान लीजिए आपका ये है मोटा वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से पैनल स्लोप में नीचे जा रहा है, तो देखिए स्लोप में एक पार्ट तो फिक्स रहेगा बाबू, एक साइड तो फिक्स रहेगा। कहने का मतलब है कि लकड़ी की जो डिजाइन है किसी एक ही तरफ से किया जाता है, एक तरफ को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मोटा है, अब देखिए स्टूडेंट्स इसके प्रोजेक्शन के अनुसार मैं काम करना चाहूँगा। यहाँ तक मोटा हो गया, यहाँ तक ये मोटा हो। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक ये स्लोप में आ रहा है, तो यहाँ से मान चलिए यहाँ से स्लोप में ऐसे आ गया, ऐसे आया। मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ थिकनेस ऑफ पैनल 30 दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैनल का थिकनेस कितना था, 30 था। मतलब कि ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट है। अब इस 30 के डायमेंशन के बाद में मुझे दिया हुआ था एंड टैप आउट टू 20 mm। कहने का मतलब है यहाँ से जो टेपरिंग सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो यहाँ से जैसे टेपरिंग सिस्टम स्टार्ट होगा यहाँ तक, यहाँ से अगर 30 है तो यहाँ पर आके कितना हो जाएगा बाबू, ये 20 हो जाएगा। एंड टैप आउट टू कितना, 20। दिस इज योर 20 mm डायमेंशन। अगर ये ऐसे मैच कर रहा है तो सीधे इसको ऐसे मैच करा दो, दिस इज योर डायमेंशन। फिर इसी प्रकार से इसका जो पोजिशन है ऐसे ले लो, कहने का मतलब है ऐसे हो जाएगा ये, और उसके बाद ये पोजीशन नीचे ले लो, ऐसे हो जाएगा, अब मिला दो। कहने का मतलब है जो पैनल का आपको जो कंप्लीट व्यू आने वाला है, आपको ये आने वाला है पैनल, ओनली पैनल के बारे में बात करें तो नहीं। कहने का मतलब पैनल काटने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है बच्चे, ऐसा महसूस होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको प्रोजेक्ट करते तो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना होगा, वो 20 mm का होगा, ये कितना हो जाएगा, 30 mm का हो जाएगा, नहीं। तो कहने का मतलब है थिकनेस ऑफ पैनल इज 30 mm एंड टेपर टू 20 mm। देखिए यहाँ से 20 मैंने ले लिया, यहाँ से 30 ले लिया, और देखिए इसको एक स्लोप लाइन से मिला दिया। एंड इस फिगर को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इस पैनल का थिकनेस 30 mm है, और जो कि स्लोप कर गया है 20 mm तक, 20 mm तक स्लोप किया है ना बाबू, दैट इज वाई ये डायमेंशन ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप समझ पाए हैं तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐसा पैनल बना के लाना पड़ता है, और ये जो डोर का जो ओपनिंग होता है जिसमें शटर में जो ओपनिंग ऐसे करते थे हम लोग, उस ओपनिंग में ऐसा वाला बना के लाएंगे और इसमें फिट कर देंगे चारों का चार से, है ना, ऐसे फिट कर देंगे, अपना हो जाएगा पैनल, बन जाएगा पैनल, क्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। सो दैट वी विल मोर एंड मोर क्लियर अबाउट व्हाट विल बी द पैनल एंड हाउ यू विल ड्रॉ द सेक्शन ऑफ द पैनल। सो यहाँ से बच्चे आपको पैनल और पैनल के सेक्शन के बारे में पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है डोर एंड विंडो का ड्राइंग बनाते रहिएगा, अगर नहीं बनाइएगा तो चीज़ें थोड़ा सा है ना, माइन्यूट पार्टिकल्स है, कंपोनेंट थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आप लोग बच्चे क्या करेंगे, ड्राइंग को उसको बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सारे प्रोविजंस के बारे में आपको क्लियर है कि नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज़ को, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसी पैनल के बारे में बता रहा था अभी। अब ये पैनल के बारे में बता रहा था, मैंने बताया कि भाई पैनल जो है इतना कटेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लकड़ी है पहले क्या क्या, देखिए स्टूडेंट्स पहले जो बनता है, पहले इसको हम लोग नहीं लगाते हैं, पहले क्या करते हैं कि मेरा जो शटर होता है, मैं उस शटर में हम लोग इतना डायमेंशन काट लेते हैं पूरा। कहने का मतलब है जो शटर बनेगा उस शटर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले इतना डायमेंशन का क्या करेंगे बाबू, पहले इतना डायमेंशन का क्या करेंगे, होल कर लेंगे, मतलब कि छेनी हथौड़ी की मदद से इतना डायमेंशन का चीज काट लेंगे, काट लिए हटा दिए तो ये खाली हो गया, नहीं अब खाली हो गया ना, तो अलग से ऐसा पैनल बना के लाएंगे, ठीक है।
अलग से ऐसा पैनल बना के लिया है, ठीक है, पैनल मतलब कि ऐसा स्ट्रक्चर अलग से बना के लिए। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से आप जो रेड जोन को खाली कीजिएगा, ये जरा जो जोन जो मैं अभी हैच कर रहा हूँ, इसको आप आपको खाली करना है, हटा देना है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये साइड वाला चीज बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, आप बाहर से पैनल ला रहे हैं तो बाहर वाला पैनल को इस साइड में ग्रिप बनाकर फिक्स करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मैं जो ये साइड वाला चीज है उसको मैं अपना ये समझ लेता हूँ और मैं पैनल बना के ला, जैसे मान लीजिए मेरा पैनल है और ये मेरा जो ये साइड वाला चीज़ है ना, हम उसमें ऐसा इंप्रेशन बना देते हैं, ऐसा इंप्रेशन है ना, मतलब कि ग्रिपिंग सिस्टम बना देते हैं पूरा खचर के, कहने का मतलब है यहाँ पर काट देते हैं और काट करके ग्रिपिंग सिस्टम बना देते हैं। अब ऐसा पैनल लेके आएंगे और इसमें समा देंगे ऐसे, तो बताइए तो लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहिएगा सर चारों तरफ से लॉक हो जाता है, तो हाँ चारों तरफ से लॉक हो जाएगा, इसीलिए लॉक हो जाएगा कि जो पैनल जो होता है पैनल बाबू वो फ्लेक्सिबल वुड्स का होता है, फ्लेक्सिबल वुड्स का। और ये भी बात आप समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल वुड्स कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो है ना चिंगम की तरह नमरेगा, ऐसी बात नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उसमें थोड़ी मोरी एडजस्टमेंट हो जाती है, क्लियर है क्या? तो पैनल के बाद पैनल के बारे में बात किया जाए, तो पैनल बना के हम लोग बाहर से लाते हैं और उसको इस प्रकार की ओपनिंग में फिक्स कर देते हैं। नहीं सपोज कर लीजिए कि ये जो ओपनिंग मैं बनाया हूँ, अगर उसमें आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ समझिए, ये ऐसा ओपनिंग है, मतलब कि शटर में ऐसा ओपनिंग है, पैनल का ओपनिंग कैसे निकालते हैं वो मैं पिछले लेक्चर में बताया था, नहीं ऐसा ओपनिंग है। तो ये ओपनिंग में क्या करेंगे, इसका जो ओपनिंग का ये साइड है, इस साइड में हम लोग ग्रिपिंग करना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ चीजल्स लेंगे और उसे क्या करेंगे इसमें ग्रिप कर देते हैं। आप पैनल लाएँ और इस ग्रिप में समा दिए ऐसे, तो इस प्रकार से ये पैनल आपको दिखने लगता है और चीज़ें सेट हो जाती है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेविकॉल से उसको चिपका भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ पैनल्स का सेटिंग प्रोसेस ये होता है। नहीं अब बात ये है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये जो चीज़ है सपोज कर लीजिए कि इधर है ना, ये आपका शटर है, शटर है ना, ये शटर है, तो इसके भी शटर के बीच में ये छेद था जिसमें आप पैनल ला रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायमेंशन है, ये जो चीज़ है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, वास्तव में इसके पास कुछ ना कुछ मोटाई है जो कि 45 mm की है। सपोज कर लीजिए इसके पास कितने mm की मोटाई है, 45 mm की, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये है 45 mm की, ठीक है, कितनी है 45 mm की मोटाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान चलिए 45 mm की मोटाई है और पैनल का थिकनेस आपके पास कितना है, मात्र 30 mm से लेके 20 mm तक। तो स्टूडेंट देखिए 45 जो है ना, 45 इसका थिकनेस था। अब इस 45 थिकनेस में क्या है, आप है ना 20 mm का चीज़ घुसाना चाहते हैं पैनल। सपोज कर लीजिए कि 45 mm का जो पूरा है, कहने का मतलब है अगर बात किया जाए तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, सपोज कर लीजिए अगर ये लकड़ी है, सपोज कर लीजिए लकड़ी, तो लकड़ी ऐसा मान लीजिए 45 mm का लकड़ी है, 45 mm का लकड़ी हो गया ये, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, 45 mm का लकड़ी हो गया नहीं है। अब इस लकड़ी में हम क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, लकड़ी में हम क्या करते हैं बाबू, ग्रिप बनाते हैं। तो सपोज करो इसमें आप ग्रिप बनाना है, तो ग्रिपिंग करने के बाद सपोज करो कि हम लोग ग्रिप बनाएंगे, तो ये ग्रिप बनाने का मतलब है कि इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा ग्रिप बना दिए, कहने का मतलब है चीजें लाए और इतना खुदेड़ दिए, इतना खुदेड़ दिए। ये कितना होगा बाबू, ये कुछ नहीं होगा, बताते हैं ये कितना होगा, देखो ये होगा यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, वो डायमेंशन होगा क्योंकि आपका 20 mm का डायमेंशन था ना, 30 mm से लेकर 20 mm तक पैनल आपका टेपर कर रहा था। आप हमारे माइंड के साथ अपने माइंड को ले चलिए, तब जाके समझ में आएगा आपको। 20 mm का डायमेंशन जो ये होगा, मतलब कि ये जो डायमेंशन होगा बाबू आपका, ये जो ग्रिप करना है आपको, वो 20 mm का होगा। अब स्टूडेंट्स 20 mm या फिर 21 mm का होगा, क्योंकि 21 mm की चीज़ में ही 20 mm का चीज़ घुस पाएगा, अदरवाइज 20 mm की चीज़ में 20 mm का चीज़ घुसाना थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है। थोड़ा सा अगर मान चलिए चीज़ को ईजी करना चाहते हैं, वर्केबल करना चाहते हैं, तो 20 mm 1 mm का कर सकते हैं इसको ग्रिप को। अब क्या करेंगे, इसमें हम पैनल इंसर्ट कर देंगे। सपोज कर लीजिए कि पैनल लाया मैं बाहर से और इसमें इंसर्ट करने के बाद ऐसी स्थिति है कि अब ये रेड हो गया, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट्स, पैनल इंसर्ट होने के बाद ऐसी कुछ बात ये है कि हम देख रहे हैं कि इसमें पैनल इंसर्ट हो गया, मतलब कि इतना दुर्गा इतना मोटाई लकड़ी था, इसमें इतना मोटा क्या कर दिया हम पैनल घुसेर दिए बीच में।
अब बताओ पैनल जब घुसेरोगे, कहने का मतलब पैनल जो इंसर्ट करोगे, तो ये चीज़ जो बचेगा, ये डायमेंशन कुछ ना कुछ बच जाएगा, ये डायमेंशन भी कुछ ना कुछ बच जाएगा। और स्टूडेंट्स आप जो ये दो लाइन दिख रहे हैं ना, ये लाइन और ये लाइन, ये वही दो लाइन है जो कि पैनल घुसेरने के बाद, मतलब पैनल को इंसर्ट करने के बाद ही बचा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पैनल को इंसर्ट करने के बाद जो लाइन बचेगा, ये पैनल जो है तो एक्चुअल पैनल आपका ये है, लेकिन पैनल इंसर्ट करने के बाद क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रिप बनाया हुआ है, ऐसे है ना बनाया हुआ। अब इस ग्रिप में पैनल को लगा दिया हुआ है, नहीं इस ग्रिप में पैनल को लगा दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो ग्रिप में जो पैनल को लगाया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि इतने ही चौड़ाई का पैनल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ रेड जोन से। अब बात बच गया क्या स्टूडेंट्स, इतना बच गया और इतना बच गया, तो स्टूडेंट्स इसी के कारण ये साइड साइड से दो लाइन भी आ जाता है, क्योंकि आपको आपने काटा है चीज़ को यहाँ से काटा है, नहीं थोड़ा सा ऊपर से काटा था मैंने, कि यहाँ से कभी काटोगे तो वही चीज़ दिखेगी, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ आपको बन रहा है इसके बारे में जो पूरी एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सारे चीज़ को नीचे नीचे प्रोजेक्ट करते जाइएगा और ये सारा डायमेंशन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप क्या करें कि इस चीज़ का पहले इससे इसको देखकर देखते हुए इमेज बनाएं, और आप अब इतना दिमाग लगाने के काबिल हो गए हैं कि प्रत्येक लाइन के पीछे आने का रीज़न क्या है, क्या तरीका है, क्यों आता है प्रत्येक लाइन के पीछे। कहने का मतलब है कि अब ऐसे काटने के बाद जो ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को पहले आप देख के बनाइए, उसके बाद खुद से पर्सनली से ट्राई करिए, आपको पूरी चीज़ें बनानी समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिलहाल फिर मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स तो ये बात ये हो गई, कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये सेक्शनल प्लान क्लियर है। अब मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स सेक्शनल एलिवेशन के बारे में, जो कि कुछ नहीं है, इसी के सिमिलर है। क्या है, इसी के सिमिलर है। देखिए स्टूडेंट्स तो आप लोगों का काम ये बनता है कि आप लोग इसको ड्रॉ करके हमको व्हाट्सएप करें, चलिए हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप करें। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको सेक्शनल एलिवेशन खींचना है, क्या सेक्शनल एलिवेशन। देखिए स्टूडेंट्स आप ये देखिए स्टूडेंट्स ये आपका एलिवेशन है, इस एलिवेशन को ही कहीं से ना कहीं से काट देंगे और काटने के बाद ये आपका दिखेगा। देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न ये उठता है कि आप इतना चीज़ को काट क्यों रहे हैं, काट इसीलिए रहे हैं ताकि आपका जो चीज़ है उसके पीछे मोर एंड मोर क्लियर विजन दिखे। कहने का मतलब है कि ये पैनल कितने का बना हुआ है, ऐसे फ्रंट व्यू में नज़र नहीं आ रहा है कितनी मोटाई कितनी चौड़ाई होगी, काटने के बाद नज़र आएगा। तो उस प्रकार से मैंने एक बार है ना चौड़ाई के अलॉन्ग काटा, अब हाइट के अलॉन्ग काटूंगा, तो हाइट के अलॉन्ग जो व्यू बनेगा उसको बोलेंगे सेक्शनल, चूँकि हाइट के अलॉन्ग है दैट इज वाई सेक्शनल एलिवेशन, और चूँकि चौड़ाई का अलॉन्ग कट रहा था ऊपर से देख रहे थे इसलिए सेक्शनल प्लान दिख रहा था, ये फिलहाल ये फ्रंट एलिवेशन है नहीं एलिवेशन। तो कहने का मतलब है सेक्शनल एलिवेशन इसका ये बनेगा। सपोज कर लीजिए कि आपने कोई सेक्शन प्लेन यहाँ से चलाया है ना, सपोज कर लीजिए कि आपने कोई सेक्शन प्लेन यहाँ से चलाया, सपोज कर लीजिए देखिए स्टूडेंट्स ये आपने कोई सेक्शन प्लेन यहाँ से चलाया, ठीक है यहाँ से ऐसे चलाया ऐसे देख रहा है आपने। देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन प्लेन चलाने के बाद जो चीज़ दिखेगी आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी, और ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने जो भी बता रखा था नीचे अभी जस्ट इसमें वही चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका यहाँ भी फ्रेम कट रहा है तो यहाँ पर फ्रेम बनेगा, यहाँ पर रिबेट एंड रिवील दिखेगा तो रिबेट एंड रिवील के अनुसार से यहाँ भी अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें आपका शटर नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है कि नहीं, देखो। और इसके बाद ये पैनल कट रहा है तो ये पैनल के अनुसार से ये दिखा दो। अब देखो स्टूडेंट्स ये डायमेंशन कितने का हो जाएगा 45 mm का, और पैनल का डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30 mm का, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20 mm का। तो इस प्रकार से पैनल जो बन रही है बाबू वो 30 mm 20 mm से टिपर कर रही है, और इस प्रकार से ये चीज़ जो है आपको बनाने में उतना ही आसान लगेगा जितना पीछे बनाने में आसान लगेगा। कहने का मतलब है कि इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज़ रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लकड़ी कट रहा है इसीलिए टिम्बर का साइन यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि पैनल लकड़ी का बना हुआ है इसीलिए पैनल में भी टिम्बर का साइन दिखाया गया है। एंड एवरी वेयर इन द ड्राइंग वेयर द कंपोनेंट इज टिम्बर देन यू हैव टू साइन इट आउट एज द टिम्बर्स नोटेशन और टिम्बर्स सिंबल एज यूजुअल लाइक दिस। ओके सो स्टूडेंट्स आपका जो बिल्डिंग ड्राइंग में ये जो डोर एंड विंडो का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल आप अपने से क्वेश्चंस कीजिए, जो भी दिक्कत आती हैं आप मेंशन कर सकते हैं, और फिर मिलता हूं मैं आपसे, धन्यवाद।